हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल डिजिटल सीएससी गुरु में। आज के हम इस वीडियो में देखेंगे कि बैंक ऑफ बड़ौदा में जो पैरी का इशू आता है, पैरी सॉफ्टवेयर का, उसको हम कैसे एक ही क्लिक पर उसको रिजॉल्व करेंगे। तो वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सबसे पहले हम एरर को देख लेते हैं, किस टाइप का एरर आ रहा है। तो हम आईडी, पासवर्ड और कैप्चा डाल के लॉग इन करके देखेंगे कि एरर किस टाइप का आ रहा है। ध्यान रखिए, 18 जनवरी के बाद अब आप बैंक ऑफ बड़ौदा के जो आईडी को मल्टीपल सिस्टम में लॉगिन नहीं कर सकते हैं। कभी भी आप मल्टीपल में लॉगिन करेंगे तो आपको इशू आएगा, इसलिए ध्यान रखिए एक ही सिस्टम जिसमें आपको काम करना है, परमानेंट आप उसी में काम करिए, मल्टीपल लॉगिन अब नहीं हो पाएगा। तो देखते हैं हम कि एरर किस टाइप का आ रहा है, उसके बाद हम इसके सॉल्यूशन को भी देखेंगे। देख सकते हैं कि ये पैरी का एक एरर आ रहा है जिसमें बोल रहा है कि पैरी को या तो आप री इंस्टॉल करिए या फिर सर्विसेज में जाके आप इसको रीस्टार्ट करें, है ना, री इंस्टॉल करें या रीस्टार्ट करें। तो फिर से इंस्टॉल करने से अच्छा है कि हम इसको रीस्टार्ट करेंगे। तो कैसे करना है, तो इसके लिए मैं आपको एक लिंक दूंगा जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। उसे आप कॉपी करके आप अपने ब्राउज़र के यूआरएल बार पर पेस्ट करना रहेगा। तो चलिए देखते हैं कैसे करना है। ये लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इस लिंक को कॉपी करना है। कॉपी करके आपके यूआरएल बार जो है उस पर पेस्ट करके एंटर दबाना है, एडवांस पर जाना है और कंटिन्यू पर क्लिक करना है। जैसे ही आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे आपका काम हो गया है। अब वापस से आप अपने ब्राउज़र को ओपन करिए। ओपन करने के बाद अपने बैंक ऑफ बड़ौदा के पेज को लॉगिन करिए और उसको लॉगिन करके एक बार चेक करिए। आपका पेज जो है वो लॉगिन हो गया है। अब आप इस पे अपना फिंगर दीजिए और इसको लॉगिन कर सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।